हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या। और आज मैं आप लोगों के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके जीके प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेकर आए हूँ। और जितने भी जीके प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी वो 110% ऑथेंटिक होंगे। बाकी चैनल्स की तरह आप लोगों को इस चैनल पर कोई भी क्वेश्चन फेक नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग सच में जेन्युइन क्वेश्चंस ही देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए क्वेश्चंस क्या आए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना किस देश के गवर्नर जनरल बने थे, तो वो पाकिस्तान देश के बने थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1929 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। और इस टाइम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। इससे संबंधित आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, क्योंकि उसमें पूछा गया था कि 1929 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें क्या चीज़ मायने रखी गई थी। तो उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जो लक्ष्य रखा गया था वो पूर्ण स्वराज का रखा गया था। और इस बार यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया गया है, तो यहाँ थोड़ी सी डिटेल भी देख लिया करें, क्योंकि क्या होता है सिर्फ हम आंसर ही पता कर लेते हैं लेकिन डिटेल रह जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ICC ने किस महिला को रेफरी बनाया था। तो भारत की GS लक्ष्मी को ICC ने मैच रेफरी बनाया है। और क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब कोई महिला मैच रेफरी बनी है, यानी कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को मैच रेफरी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत वर्ल्ड कप में कितनी बार फाइनल में पहुंची है। तो अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप हो चुके हैं, 11 बार वर्ल्ड कप हो चुके हैं। और जो अपनी इंडिया टीम है वो 3 बार फाइनल का सफ़र तय कर चुके हैं, यानी कि 3 बार फाइनल में पहुंच चुकी है। उसमें से 2 बार जीत और 1 बार हार का सामना करना पड़ा था, यानी कि 11 बार वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें से 3 बार अपना भारतीय जो टीम है वो फाइनल में पहुंची है, और 3 बार जाने से 2 बार जीती है और 1 बार हारी है। और भारतीय टीम 1883, 2003 और 2011 वर्ल्ड कप में फाइनल खेल चुकी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था RBI से, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि RBI की स्थापना कब हुई थी। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो कोलकाता में। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि RBI का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है। तो भूपेन हजारिका का संबंध असम राज्य से है। ये किस राज्य से है, तो असम से है। हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भूपेन हजारिका किस चीज़ से संबंधित हैं। तो ये एक गीतकार हैं, संगीतकार, गायक, कवि और फिल्म निर्माता भी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग से एक और क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, और अब इस बार आया है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, लेकिन ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीटेड है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1770 में किस बैंक की स्थापना हुई थी। तो देश के सबसे पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू हुआ था, लेकिन ये बैंक 1832 में बंद हो गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है।
तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है और यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पर है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था, यह मैं आप लोगों को बता चुकी कि आईसीसी ने किसको महिला रेफरी बनाया है, तो वो जी एस लक्ष्मी को बनाया है। और यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष मैंने बता दिया जवाहरलाल नेहरू हैं। और क्या घोषणा की गई थी, यानी कि जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1929 का, उसमें मुख्य लक्ष्य क्या था? तो वो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य था। यहाँ मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चंस पता हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि बाकी के स्टूडेंट्स को और भी क्वेश्चन पता लग सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।